कारगिल युद्ध के तीन प्रमुख चरण थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के भारतीय नियंत्रित हिस्से में सेना की घुसपैठ की और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिससे वह को अपनी तोपखाने की आग की सीमा में लाने में सक्षम हो गया। अगले चरण में भारत ने घुसपैठ का पता लगाया और इसका जवाब देने के लिए सेना जुटाई। अंतिम चरण में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले अधिकांश क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया 63-64, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना LOC के पार वापस चली गई। फरवरी 1999 के दौरान पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में कुछ चौकियों पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। 65 विशिष्ट विशेष सेवा समूह के सैनिकों के साथ साथ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 4 से 7 बटालियनों, 21-6-6 एक अर्धसैनिक रेजिमेंट जो उस समय नियमित पाकिस्तानी सेना का हिस्सा नहीं थी, ने गुप्त रूप से और खुले तौर पर भारतीय नियंत्रित क्षेत्र के 132 सुविधाजनक स्थानों पर ठिकाने स्थापित किए। 67 कुछ रिपोर्टों के अनुसार इन पाकिस्तानी सेनाओं को कश्मीरी गुरिल्लाओं और अफगान भाड़ी के सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। 68 जनरल वेद मलिक के अनुसार घुसपैठ का बड़ा हिस्सा अप्रैल में हुआ। 69 पाकिस्तानी घुसपैठ निचली मुश्को घाटी की ऊंचाइयों पर द्रास में मार्कोला रिजलाइन के साथ कारगिल के पास काक्सर में सिंधु नदी के पूर्व में बटालिक सेक्टर में चोरबतला सेक्टर के ऊपर की ऊंचाइयों पर जहां नियंत्रण रेखा उत्तर की ओर मुड़ती है और सियाचिन क्षेत्र के दक्षिण में तुरतुक सेक्टर में हुई। प्रारंभ में कई कारणों से इन घुसपैठों का पता नहीं चला। पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ किए गए कुछ क्षेत्रों में भारतीय गश्ती दल नहीं भेजे गए थे और कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा भारी तोपखाने की गोलाबारी ने घुसपैठियों को कवर प्रदान किया। लेकिन मई के दूसरे सप्ताह तक कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक भारतीय गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया गया, जिन्होंने बटालिक सेक्टर में एक स्थानीय चरवाहे की सूचना पर कार्रवाई की, जिससे घुसपैठ का पर्दाफाश हो गया। 70 प्रारंभ में घुसपैठ की प्रकृति या सीमा के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने यह मान लिया कि घुसपैठिए जिहादी थे और दावा किया कि वे उन्हें कुछ दिनों में बाहर निकाल देंगे। बाद में LOC के साथ अन्य जगहों पर घुसपैठ की खोज और घुसपैठियों द्वारा नियोजित रणनीति में अंतर के कारण भारतीय सेना को एहसास हुआ कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर थी। प्रवेश द्वारा कब्जा किया गया कुल क्षेत्र आमतौर पर 130 से 200 किलोमीटर 250 और 80 वर्ग मील के बीच माना जाता है। 20-71-72 भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, जिसमें 200,000 भारतीय सैनिकों का जुटान हुआ। हालांकि इलाके की प्रकृति के कारण डिवीजन और कोर ऑपरेशन नहीं किए जा सके, इसके बाद की लड़ाई ज्यादातर ब्रिगेड या बटालियन स्तर पर आयोजित की गई थी। वास्तव में भारतीय सेना के 2 डिवीजन 73 जिनकी संख्या 20,000 थी और भारत के अर्धसैनिक बलों और वायुसेना के कई हजार सैनिकों को संघर्ष क्षेत्र में तैनात किया गया था। इस प्रकार कारगिल द्रास सेक्टर पर सैन्य अभियान में शामिल भारतीय सैनिकों की कुल संख्या 30,000 के करीब थी। संघर्ष के चरम पर रसद बैकअप प्रदान करने वालों सहित घुसपैठियों की संख्या लगभग 5,000 बताई गई है। 20-68 इस आंकड़े में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सैनिक शामिल हैं, जिन्होंने अतिरिक्त तोपखाने का समर्थन प्रदान किया। भारतीय वायुसेना ने 26 मई को भारतीय भूमि बलों की लामबंदी के समर्थन में ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। भारतीय सरकार ने अवांछनीय वृद्धि के डर से केवल 25 मई को वायु शक्ति के सीमित उपयोग को मंजूरी दी, इस आदेश के साथ कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट किसी भी परिस्थिति में LOC पार नहीं करेंगे। 74 ये पहली बार था जब वैश्विक स्तर पर किसी भी हवाई युद्ध को इतने ऊंचे स्थानों पर लड़ा गया था, जिसमें समुद्र तल से 1,800 से 5,500 मीटर 6,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लक्ष्य थे। इन ऊंचाइयों पर दुर्लभ हवा ने हवा से जमीन पर हथियारों के बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ को प्रभावित किया, जैसे रॉकेट डम्ब और लेजर निर्देशित बम। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया, जिससे भारतीय वायुसेना को अपने हमलों को दंड से मुक्त करने की स्वतंत्रता मिल गई।